हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप पेन जैसे चलने वाले कोन कैसे बना सकते हैं। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जिनके जो कोन होते हैं वो एकदम पेन की तरह चलते हैं, बहुत स्मूथली। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ऐसी पॉलीथीन लेनी है। इसके लिए आप जो कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं वो वाली पॉलीथीन भी ले सकते हैं, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसका इस तरह से कोन बनाना है। इसकी साइज़ आप ले सकते हैं 6 इंच एक साइड की और 5 इंच अगली साइड की। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर आपको पॉलीथीन लेनी है, उसका इस तरह से कोन बनाना है। फिर जो लास्ट वाला पार्ट है उस पर छोटी सी सेलो टेप चिपका देनी है ताकि ये खुलेगा नहीं। और ये आपको नीचे से आप जितना पतला बना सकते हैं ना उतना पतला बनाइए, जैसा कि हमारा पेन होता है पतला सा वैसा ही। तो जब हम अपन पॉलीथीन से इस तरह का कोन बना लेते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें मेहंदी फिल करनी है। आप ये मार्केट वाली मेहंदी लाए ना तो इसका भी कोन ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन कोन का होल जो होता है वो बड़ा होता है, तो फिर हमें इसे ज़्यादा कट कर लेना है और इससे हमें इसमें प्रेशर डालते हुए मेहंदी को फिल कर लेना है। और ध्यान रहे लास्ट में इसमें थोड़ा सा एयर भी होना चाहिए, क्योंकि एयर की वजह से ही प्रेशर पड़ता है और मेहंदी स्मूथली निकलती है। आपको बिल्कुल इसे मेहंदी को भर के ही टाइट नहीं करना, थोड़ी सी एयर भी अंदर होनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो मेहंदी पाउडर को करना क्या है, उसे साफ कपड़े से छान लेना है बारीक बारीक, और फिर उसका पेस्ट बनाकर भी आप कोन बना सकते हैं। और जो आप कपड़े से छानी हुई मेहंदी का पेस्ट बना करके और कोन बनाएंगे ना, तो वो सच में एकदम स्मूथ और पेन की तरह चलेगा। तो आपको पता चल गया है कि आप स्मूथली और पेन की तरह चलने वाला कोन अपने हाथों से घर पर बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सारी मेहंदी इसके अंदर निकाल रही हूँ अच्छे तरीके से पूरी, और फिर मैं क्या करूँगी, इसका जो ऊपर का टॉप है उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी, इधर से भी थोड़ा और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा। और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे हम जो धागा होता है ना उसकी मदद से इसे बांध देंगे, या फिर सबसे अच्छा अगर आपके पास रबर बैंड है तो आप रबर बैंड लगा दीजिए। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड किया है, और जैसे एक पोनी बनाते हैं ना तो इस कोन की पोनी बना दी है। और फिर इसे अच्छे से हमने धागे से बांध दिया है, राउंड राउंड करके धागे को इसके ऊपर लपेटा है, और फिर इसका जो अपर पार्ट है उसको थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे और फिर धागे से उसे बांध देंगे अच्छे तरीके से। और अब हमें क्या करना है, जो हमने बांधा है उसे एक छोटी सी टेप लगा देंगे। इस टेपिंग को करने से थोड़ा और हमारा जो कोन लीक होने का डर रहता है वो नहीं रहेगा, और इस तरह से आपका पेन जैसा कोन तैयार है। और ये आपका बहुत स्मूथ चलने वाला है। बस आपको करना क्या है, इसके आगे की निप को कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, थोड़ा थोड़ा कट करके देखते रहना है कि ये मतलब पतला है या नहीं। सो गाइस, आप देख रहे हैं ना ये कितना अच्छे से कितना स्मूथली और पतला पतला चल रहा है। और कोन हमें छोटे बनाने चाहिए, मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ ताकि ये आपके हाथ में अच्छे से सेट हो जाए और आप मेहंदी अच्छे से बना सकें। आप चाहे तो इससे भी छोटा और पतली साइज़ का कोन बनाओ, लास्ट में आप चाहे तो एक ऑयल पेन इसमें इंसर्ट करके इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक इजी सी Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.